वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग तैयार थे मार्केट जाने के लिए, थे नहीं सॉरी मतलब हैं अभी भी जाएंगे, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। पहले ऐसा था कि जल्दी जल्दी तैयार होकर के निकल जाते हैं भीड़ ना होने पर, लेकिन नीचे उतरते उतरते अभी द्वार में भैया लोग सब लोग हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी जगह खाली तो फिर निकले। पहले हम लोग सोचे थे, प्लान किए थे कि ई रिक्शा से चले जाएंगे, लेकिन फिर भैया को अभी जाने में थोड़ा सा टाइम है, बैठा हुआ था द्वार में, तो ये हुआ कि छोड़ आते हैं। और अभी हम लोग श्राइन ज्वेलर्स में उतर जाएंगे, भैया लेकर के वापस चले जाएंगे, और फिर इसके बाद भैया लोग चले जाएंगे अपना जहाँ भी जाना होगा। लौटते टाइम हम लोग ई रिक्शा से ही आ जाएंगे। वैसे भी रात में तो कैसे भी आप पैदल भी आ जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा जब शाम का टाइम रहता है धूप वगैरह रहती है तो पैदल चलने में दिक्कत होती है। मैं और भाभी मैंने भाभी को मुंह को कैसे दबाई गाड़ी गाड़ी बहुत वैसे टाइप की थोड़ा सा ना स्मेल कर रही है, और हम सब लोग ना थोड़ा सा वॉमिटिंग वाले हैं। तो खैर मुझे तो अभी बहुत ट्रैवल करते करते हैबिट हो गई है, लेकिन भाभी लोग को अभी उतनी हैबिट नहीं है। जैसे ये लोग गाड़ी में बैठती है ना तो दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से इन लोग का एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि हैंगी वगैरह ना हो, बस साड़ी का पल्लू या फिर मुंह में लगा लो तो थोड़ा सा वो जो गंदी गंदी गाड़ी की स्मेल होती है ना वो नहीं अंदर जाती है। हम लोग के घर में ना बहुत सारे लोग हैं जिनको ये गाड़ी से ना प्रॉब्लम होती है वोमिटिंग वाली। मेरा तो खैर अभी फिर भी बहुत सही हो गया है, पहले ज़्यादा होता था। उदयन के लिए कड़े देखने, क्योंकि जो मैंने उसको पहना रखे थे ना वो अब छोटे हो गए हैं साइज में, ये नहीं तो थोड़े बड़े साइज के लेने हैं। ऐसे में भैया थोड़ा छोटे साइज में दिखा दीजिए, तो मुझे ये वाला पसंद आया है, इसी तरह ना बहुत पतला है ना बहुत मोटा है, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ ठीक है ना ये वाला ले लेती हूँ। हाँ तो अभी मैंने उदयन के हाथ में भी डाल कर देखा, ये वाला अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत हल्का फूल का तो कि रोड आपको दिखा दूं, और क्या साड़ियाँ देने, साड़ियाँ मतलब भाभी को वही जो अपने मम्मी की चेंज करनी थी। अरे इनको देखो ये भी आए हैं आज घूमने करने, मार्केट घूमने करने आए हैं। दिखाऊं बन रहे हैं गर्मा गर्म वड़ा, और वड़ा के साथ में है टमाटर की चटनी। तो मैं पहले आपको चटनी दिखा देती हूँ, ये टमाटर आम की चटनी है, इसमें बहुत सारा पुदीना धनिया पत्ता लहसुन मिर्ची सब डाल करके बनाया गया है। तो ये चटनी और साथ में वड़ा बन रहा है, आपको दिखाऊं। तो आज हम लोग ना यही खाने वाले हैं, वड़ा और टमाटर की चटनी।
और बहुत टेस्टी लगता है मट्ठा वाले वड़ा से ना, ये ज्यादा ऐसे टमाटर की चटनी के साथ अच्छा लगता है। मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है, आज ना मेरी आंख जल्दी खुल गई है तो मैं आ गई बाहर घूमने। अभी ऑडियंस हो ही रहा है लेकिन मेरी आंख खुल गई तो मैं आ गई बाहर घूमने। और वैसे भी आजकल इतना लेट हो जाता है ना कि बाहर छत में निकलना हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सुबह उठने में इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। 8 बजे तक उठना होता है तो फिर तब तक धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर आप ऐसे छत में निकल ही नहीं सकते हो। तो अभी आज मौसम भी अभी मौसम क्या सही है, एकदम मैं सुबह सुबह ही उठ गई हूँ तो फिर ये हुआ कि चलती हूँ बाहर छत में थोड़ी देर घूमती हूँ। और सुबह सुबह ना हमारे यहाँ छत में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि रोड से सब लोग निकलते हैं वॉक करने भी, और मौसम भी सुबह सुबह का बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। और आज ना मुझे अपने बाल धुलने बहुत अजीब से चिपचिपे से हो गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे तो ऑयल डाल रखी हूँ। तो कई दिनों से मैंने हेयर वॉश नहीं किया ना तो बिल्कुल एकदम अजीब से बाल हो गए हैं, गंदे से। तो अभी मैं थोड़ी देर घूमती हूँ यहाँ पर, और मम्मी की जो फुलवारी है ना वो अभी सूख रखी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा हरी भरी नहीं है। कैमरे से दिखाती हूँ कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह। पर अभी सनराइज हुआ नहीं है, एकदम सुबह सुबह ही आज मेरी आँख खुल गई, बट इतने टाइम ही छत में घूमने में मज़ा आता है। मम्मी के मैं पेड़ पौधे भी दिखा देती हूँ। ये गुड़हल वाला है ये वाला, और ये से जो पीले मैं पेड़ पौधे भी दिखा देती हूँ आपको। ये बड़े बड़े से हो रखे हैं, ये गुड़हल का है और ये से जो पीले फूल निकलते हैं, और ये गन्ना फिर बड़ा हो रहा है। पिछली बार जब मैं आई थी ना तो खूब बड़े बड़े से गन्ना लगे हुए थे, मम्मी ने निकाला था मतलब तोड़ा था, और इस बार फिर देखो तो ये गन्ना ऐसा रहता है ना कि एक बार लगा दो तो 3-4 साल तक अपने आप ही होता है, ये फिर अब इस बार हो रहा है। और यहाँ पे भी बहुत कुछ लगा हुआ था, टमाटर के पेड़ भी लगे हुए थे जो कि मम्मी ने उखाड़ दिया है। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, अब सनराइज हो रहा है तो लोग घूमने आते हैं और सनराइज देखते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ घर बैठे बैठे एकदम सामने से देखने को मिल रहा है, बिल्कुल पास पे ही, और आपके सामने ही सनराइज हो रहा है। आपको दिखाऊं, ऊपर चिड़िया भी बैठी हुई है, इलेक्ट्रिक वायर में बैठी है, और सनराइज हो रहा है। साथ में आपको बहुत सारी ग्रीनरी भी देखने को मिल जाएगी, पूरा कॉम्बो आपको यहीं पे मेरे घर पे ही बैठे बैठे मिल जाएगा देखने को। और ये वाला व्यू देखने के लिए ना लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत जाते हैं, पहाड़ों में ऊपर चढ़ जाते हैं सनराइज देखने के लिए, और हमें घर बैठे ही देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर वॉक कर लेती हूँ, उदयन सो ही रहा है और वो तो वैसे भी 8 बजे तक ही उठता है तो उसका कोई टेंशन है ही नहीं। और मैं आज सुबह ना 6 बजे के आसपास ही उठ गई थी तो अभी मेरे पास 1.5-2 घंटे का पूरा टाइम है, तो मैं सोचा थोड़ी देर वॉक भी कर लेती हूँ। और वैसे भी जब से मैं
इंदौर गई ना, मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया है और अभी पता नहीं कब तक गड़बड़ रहने वाला है, क्योंकि जब तक मेरठ नहीं पहुंच जाऊंगी ना तो वो प्रॉपर जो रूटीन में है नहीं आ पाएगा, वो कितना भी मैं ट्राई कर लूँ। बीच बीच में ट्राई करती हूँ कि हाँ अभी अच्छे से आऊँगी अपने रूटीन में, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी, अगर पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।